हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे आज का टॉपिक है क्लास टेंथ की फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। एन फ्रैंक जो थी, उन्होंने 13 साल की उम्र में डायरी लिखनी शुरू की थी और उनके जाने के बाद जब ये डायरी लोगों को मिली तो इतनी पसंद आई कि उसे पब्लिश किया गया और आज वो एक क्लासिक बन चुकी है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस डायरी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में एन जो है वो एक 13 साल की लड़की है और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रही है। वो बताती है कि वो बहुत लोनली है, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, गिन चुनकर 30 लोग हैं जिनको अपना फ्रेंड्स बोल सकती है। इसके बाद वो कहती है कि जब उसका 13th birthday था तो उसको डायरी गिफ्ट करी गई थी। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अब डायरी लिखना शुरू करेगी, बिकॉज उसको एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त चाहिए था। वो अपनी डायरी को एक नाम भी देती है, उसकी डायरी का नाम वो लिखती है किटी। फिर आगे स्टोरी में क्या होता है, स्टार्टिंग में वो अपनी डायरी में अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखती है और वो पहले वहाँ कहाँ रहती थी, कहाँ से इमिग्रेट हुई, मतलब वो अपना घर छोड़कर कहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हुई, अपने बचपन के बारे में बात करती। फिर फाइनली वो आज के दिन में के बारे में बात करना शुरू करती है, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो अब एन एक स्कूल गोइंग गर्ल है और स्कूल टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक ही होती है, रिज़ल्ट। और आज उसका भी रिज़ल्ट आने वाला होता है और रिज़ल्ट वाले दिन का माहौल तो सबको पता ही है कि कितना एक्साइटमेंट और टेंशन से भरा होता है। ऐसा ही सिचुएशन एन के साथ भी था। उसके जितने भी क्लासमेट थे सभी नर्वस थे, इनफैक्ट इतना कि उसके क्लास के लड़के बेट लगा रहे थे कि तू फेल होगा या मैं फेल होऊंगा। उसके बाद एन जो कि काफ़ी श्योर थी अपने रिज़ल्ट को लेकर और अपने दोस्तों के रिज़ल्ट को लेकर कि वो पास तो होने ही वाली है, और एन जो थी वो सभी टीचर्स की फेवरेट भी थी, सभी उसे पसंद करते थे एक्सेप्ट वन टीचर, उसके मैथ टीचर। उसके जो मैथ के टीचर थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और एन को वो उतना पसंद नहीं करते थे। उसका भी एक रीज़न था कि एन जो थी वो बहुत बात करती थी और उसकी इस बात करने की हैबिट से उसके टीचर इरिटेट हो जाते थे। तो उन्होंने एक दिन उसे पनिशमेंट दी क्लास में कि तुम एक ऐसे लिख कर लाओ, और उसे जो टॉपिक दिया वो था चैटर बॉक्स रिलेटेड, एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। उसका मतलब था एक ठीठ बातूनी इंसान जो कभी न सुधरे, और इस इससे को देने का मतलब यही था कि तुम बहुत बात करती हो इसलिए तुम्हारे सजा है, सुधर जाओ। एन एक सिंसियर स्टूडेंट थी, ऐसा नहीं था कि वो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए बात करती थी। उसे ऐसा लगता था कि बात करने में क्या ही बुराई है। उसने एक अच्छा सा एस्से भी लिखा, उसमें उसने बहुत सारे तर्क दिए कि बात करने में कोई बुराई नहीं है। उसने अपनी समझ के हिसाब से एस्से लिखा, उसने बताया कि कैसे ये आदत उसमें उसकी मम्मी से आई है, कि वो भी बहुत बात करती है और ये हैबिट उसमें उसकी मम्मी से ही आई है। तो इस हिसाब से उसने एक बहुत ही इनोसेंट सा और एक फ़नी सा एस्से लिखा। तो वो एस्से पढ़कर क्लास में सबको बहुत हंसी आई, लेकिन फिर भी एन नहीं सुधरी और वो बात कर रही थी। तो सर ने उसे दोबारा टॉपिक दिया। 2 बार होने के बाद सर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक लास्ट टॉपिक दिया एस्से लिखने के लिए। अब उसके पास जितनी भी स्टोरी थी, जितने भी बहाने थे, जितने भी कंटेंट था, वो तो उसने उस लास्ट 2 स्टोरी एस्से में ख़त्म कर दिया था। तो इस 3rd essay में उसने एक फादर डक की स्टोरी लिखी। तो वो फादर डक की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि उसके बच्चे इतना बात करते थे कि फादर डक ने उसे दांतों से काट कर मार दिया था। कहीं ना कहीं इस स्टोरी के थ्रू ये दिखाया कि उसके मैथ टीचर वो फादर डक की तरह है और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटे छोटे प्यारे बत्तख हैं, और टीचर जो बच्चों की बात करने की आदत या उनकी छोटी मोटी शरारतों को टोक टोक कर ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्यारी सी स्टोरी से उसने सर को ये सिखाया कि ज़िंदगी में इतना भी सीरियस और स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स्ड भी होना चाहिए। तो
तो अब उसके सर ने ये स्टोरी पढ़ी तो उन्हें बहुत पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने पूरे क्लास में रिसाइट करवाया। अब उसके सर एन को कोई पनिशमेंट नहीं देते, उसे डांटते नहीं थे, उससे कोई ऐसे नहीं लिखवाते। अब एन अगर क्लास में बात भी करती तो उसे पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। उसके सर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो गए थे।